देखिए, राज्य सरकार की मंशा है कि जो सेफ्टी का दायरा है वो वाकई में वास्तविकता में सभी बच्चों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि कई विकृत मानसिकता के लोग इस प्रकार के कृत्य करते रहते हैं। तो अवेयरनेस से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, ये बात सब रियलाइज करते हैं। और गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उसमें भारी संख्या में बच्चे रजिस्टर्ड हैं, और जिस एज ग्रुप के बच्चों के साथ थोड़ी ज़्यादा ये दिक्कत रह सकती है उनको टारगेट करते हुए हम लोगों ने आज पूरे राजस्थान में 26 अगस्त को एक साथ लगभग 66,000 स्कूलों में 60 लाख से ज़्यादा बच्चों को टारगेट किया है, जिसके लिए प्रक्रियाएं आज से एक महीना पहले से शुरू हो गई थी। उसमें मास्टर ट्रेनर को ट्रेन करते हुए डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पर सारी ट्रेनिंग करा के 75,000 से ज़्यादा टीचर्स को प्रशिक्षित किया गया, और आज वो सारे टीचर अपने अपने स्कूलों में 1, 2, 3, 4 सेशन जैसी स्कूल की स्ट्रेंथ है उस हिसाब से ले रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग इसको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना पाएंगे। हालांकि रिकॉर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चों के अंदर सुरक्षा की भावना आनी चाहिए, और हमें पूरा विश्वास है कि जब बच्चों को लगभग 45 मिनट से एक घंटे का ये सेशन दिखाया जाएगा तो उन बच्चों के साथ बैट टच करना या उनको किसी तरह से बहलाना फुसलाना इतना आसान नहीं रहेगा, और इससे जो सुरक्षा की भावना आएगी और उन बच्चों के करियर और आगे के जीवन में भी सुधार आएगा। सर, प्राइवेट स्कूलों तक भी रीच कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आज कुछ प्राइवेट स्कूल्स को भी अप्रोच करा है, और मैं खुद भी एक प्राइवेट स्कूल में सेशन ले रहा हूँ। और इसके पीछे हमारी मंशा यही है कि हमारा अगला टारगेट यही रहेगा कि हम RBSC CBSE दोनों बोर्ड से संबंधित प्राइवेट स्कूलों को भी ये कहें कि गवर्नमेंट स्कूल्स को आज हमने टारगेट किया है, इसी तरह से सितंबर के किसी एक सैटरडे के दिन हम लोग उनसे कोऑर्डिनेशन करें और वहाँ पर भी ज़्यादा ज़्यादा स्कूलों में सेशन आयोजित होने चाहिए, क्योंकि निजी और सरकारी दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चों को ये इस प्रकार के सेशंस मिलने चाहिए। सर, सालों से इस चीज की बात चल रही है, गुड टच बैड टच की, इसे आप मुहिम के तौर पे स्टार्ट करने की क्या वजह है? देखिए, मुहिम के तौर पे वजह यह है कि ये एक अवेयरनेस का टॉपिक है। हर साल नए बच्चे पैदा होते हैं, हर साल स्कूलों में नए बच्चे एंटर करते हैं, और फिर नई नई तकनीकें आ जाती हैं, लोग मोबाइल के जरिए सोशल मीडिया के जरिए काम शुरू कर देते हैं। तो जब छेड़खानी या अब्यूज़ के तरीके बदलेंगे तो आपको नए नए कंटेंट भी पैदा करने पड़ेंगे, और नए स्कूलों में आने वाले बच्चों के लिए भी आपको ये प्रोग्राम लगातार जारी रखने पड़ेंगे। क्या एक बार दिखा करेगा आप? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये सेशन 3 बार होना चाहिए। एक बार मूल सेशन कर लिया जाए, फिर 3 महीने में दूसरा रिपीटिशन हो जाए, और 6 महीने में तीसरा रिपीटिशन हो जाए। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि जो आज सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम हो रहा है उसमें आज पहला प्रोग्राम हो रहा है। अक्टूबर और जनवरी में भी डेट तय कर दी गई है जिनमें कि रिपीटिशन 1 और 2 होंगे। क्या ये हर सत्र में ये चीज़ चलेगी? हर सत्र में, क्योंकि 9 बैग डे की गाइडलाइन में इसको शामिल कर दिया गया है, और 9 बैग डे हमेशा चलेंगे। तो 9 बैग डे सैटरडे का दिन एक 9 बैग डे राजस्थान में डिक्लेयर है, काफी सफलता से चल रहा है, उसी पे हमने इस प्रोग्राम को राइड करवाया है। इसके इतर अगर बात करें, 9 बैग डे पे ही आना चाहूंगा सर, क्योंकि पहले जो स्टार्ट किया गया था 9 बैग डे को, वो अलग पर्पस में किया गया था आप लोगों के द्वारा, और अब उसमें चीजें जोड़ दी गई है कुछ आपके आने के बाद। देखिए, लाइफ स्किल्स देना बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कई जगह बोला है कि बच्चों को लाइफ स्किल्स दिए जाने चाहिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा पे चिंता जाहिर की, उन्होंने टोबैको के बढ़ते प्रचलन पे चिंता जाहिर की, तो हमने इस बार की गाइडलाइंस में 3 हफ्ते सड़क सुरक्षा पे भी दिए हैं, हमने 3 हफ्ते गुड टच बैड टच पे दिए हैं, और हमने 2 हफ्ते तंबाकू पे दिए हैं। तो इस प्रकार से हम जो भी इंपॉर्टेंट लेसन हैं उनको कवर करते हुए 9 बैग डे मना रहे हैं, ताकि ये ज़्यादा सार्थक बन सके।